हेलो गाइस। तो फाइनली हम लोग रात को मधमेश्वर पहुंच गए थे, और अब सुबह जब हम लोग उठे तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। हम लोग देख के शौक हो गए थे कि ऐसी भी कोई जगह है। सुबह जल्दी से उठे, नहाए धोए, उसके बाद सीधा पहुंच गए मंदिर की तरफ। सामने मंदिर है, मंदिर देख के जो मन को तसल्ली मिली ना, वो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। तो जल्दी से मंदिर जाने के लिए हम लोगों ने पूजा का सामान लिया। पूजा के सामान में चने की दाल, चावल, नारियल, चुनरी, ये सब अंदर चढ़ता है। अंदर की फोटोज लेना अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने अंदर पूजा करने के बाद हम लोग बाहर वापस आए। जब बाहर आने के बाद परिक्रमा करने के टाइम पे पीछे गौरी शंकर जी का मंदिर और शंकर जी का मंदिर है, और सामने ही शनिदेव जी की शिला है जहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे दो क्षेत्रपाल भी हैं, जो एक मंदिर के पीछे है और एक है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास। कभी आप जाओ तो जाना जरूर। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंच गए हैं बूढ़ा मधमेश्वर। यहाँ से जो पीक्स का नज़ारा आता है, चोकंबा पीक्स, दुकंबा पीक्स, ये सब वहाँ पे हैं। अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी कैप्चर किया मैं वो आपको शो कर रहा हूँ। और सामने अभी जो आप देख रहे हो, ये बूढ़ा मधमेश्वर जी का मंदिर है, यहीं से सारी पीक्स दिखाई देती हैं। कभी आओ तो यहाँ आना मिस मत करना। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है, इजीली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, नीचे जाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं उनके दर्शन किए। यहाँ पे क्षेत्रपाल जी के दो मंदिर हैं, एक मंदिर के बैक साइड है और एक है मंदिर के सामने की तरफ फॉरेस्ट ऑफिस के बैक साइड में। तो अभी फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। और कभी आओ तो एक चीज मिस कभी मत करना कि यहाँ पे ब्रोंस का जूस मिलता है, वो जूस पीना, उससे एनर्जी आती है, आपको चलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी जो आप देख रहे हो, यही है क्षेत्रपाल जी का मंदिर। यहाँ पर भैरव बाबा जी का मंदिर, ये पहला मंदिर है। पहले मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा फॉरेस्ट ऑफिस के बैक साइड की तरफ, वो दूसरा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये दिखाने के बाद हम वहीं जाएंगे, ये फॉरेस्ट ऑफिस के बैक साइड है। अब ये जो है मंदिर, ये सेकेंड मंदिर है। अगर आपको मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी तो फुल वीडियो मैं लिंक में दे रहा हूँ, आप चाहे वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।